भाग्य केवल सहयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं, बल्कि हासिल करने की चीज है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। असफल लोग दो तरह के होते हैं, वे जो करते तो हैं, लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। सिर्फ अतीत देखकर उस पर गर्व करना तब तक व्यर्थ है जब तक उससे प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण नहीं किया जाए। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी के जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। जब किसी की अपेक्षाएं शून्य हो जाती है तो वास्तव में वह हर किसी की सराहना करता है। सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। यदि आप उदास हैं तो अतीत में रह रहे हैं, चिंतित है तो भविष्य में रह रहे हैं, शांति में है तो वर्तमान में जी रहे हैं। अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बड़े नहीं हो सकते। हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों के पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। बर्फ के गोले को सफेदी के लिए नहाने की जरूरत नहीं, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वास्तविक बने रहे। कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। बच्चों में बचपन की आदतें ताउम्र रहती हैं। अगर उन्हें खेलने कूदने शोर मचाने की आजादी मिल जाए तो वे अपने पाठ और शिक्षक से प्रेम करना सीख जाएंगे। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। मनुष्य ईश्वर के समीप जितनी शीघ्रता से भलाई करके पहुंचता है उतना अन्य किसी कर्म से नहीं। दानशीलता यह है कि अपनी सामर्थ्य से अधिक दो और स्वाभिमान यह है कि अपनी आवश्यकता से कम लो। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। सच्चा महापुरुष वह आदमी है जो न दूसरे को अपने अधीन रखता है और न स्वयं दूसरों के अधीन होता है। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। आपके भीतर सुगंध बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप सुख और आनंद के इत्र दूसरों पर छिड़कते जाएंगे। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव आत्मसंतुष्टि रूपी लौ को अपनी इच्छाओं की आहुति से प्रकाशमान बनाए रखते हैं। मीठे बोल संक्षिप्त और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज सचमुच अनंत होती है। भाग्य सदैव उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करना जानते हैं। छोटी छोटी बातों में विश्वास रखें, क्योंकि इनमें ही आपकी शक्ति निहित है, यही आगे ले जाती है। सामने वाले की बात सुनने समझने के बाद प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्त करें कि वह सदा के लिए आपका बन जाए। अतीत कितना ही सुंदर हो सुनहरा हो वह तो गुजर चुका। वर्तमान पलों का लुफ्त उठाना जिंदगी जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। वर्तमान को सबसे बेहतरीन पल बनाओ, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।